मेरे परिवारजनों, मध्य प्रदेश के ये चुनाव सिर्फ भाजपा और कांग्रेस के बीच के नहीं है। ये चुनाव मध्य प्रदेश के उज्जवल भविष्य को तय करने वाले चुनाव है। कांग्रेस के नेता है जो एमपी को अंधेरे कुएं में धकेलने के जिम्मेदार है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा है जो एमपी को अंधकार से बाहर निकाल कर लाई है। एक तरफ कांग्रेस है जो सिर्फ और सिर्फ अपनी खाली तिजोरी भरने के लिए मध्य प्रदेश में अपना कब्जा जमाना चाहती है। आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान में देखिए कैसे कांग्रेस की काली कमाई से कमाए गए नोटों के ढेर हर दिन निकल रहे हैं। देखते हैं ना टीवी में नोटों के ढेर, ये क्या मेहनत की कमाई है क्या? ये ईमान की कमाई है क्या? गद्दे के नीचे छिपाना क्यों पड़ता है भाई? ये चोरी का माल है कि नहीं है? ये मोदी उसको पकड़ता है, सही करता है गलत करता है? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? और इसीलिए आप इतना प्यार करते हैं और वो उतनी गाली देते हैं। लेकिन वो कितनी ही गालियां दे दे, आपका प्यार उनकी गालियों को भी चूर चूर कर देता है। एक तरफ कांग्रेस का एक चरित्र, दूसरी तरफ भाजपा है जो सेवा के संकल्प को, राष्ट्र प्रथम के अपने मिशन को आगे बढ़ाना चाहती है। देखिए हमारी प्राथमिकता, देखिए इतना बड़ा चुनाव चल रहा है, अनेक जगह पर मुझे जाना है, लेकिन कल दिवाली मनाने के लिए मैं कहां चला गया? सीमा पर देश के जवानों के पास। इतनी बड़ी चुनाव के आखिरी दिन है, लेकिन दो दिन के बाद कहां जा रहा हूं? झारखंड में भगवान बिरसा मुंडा के गांव में मत्था टेकने के लिए जा रहा हूं। यह हमारी प्राथमिकताएं। देखिए आज आप देख रहे हैं, आज भारत को विश्व पटल पर नई बुलंदी मिली है। आज दुनिया में भारत का जय जयकार है कि नहीं है? आज चारों तरफ भारत की वाहवाही है कि नहीं है? अमेरिका में भी भारत की वाहवाही हो रही है कि नहीं हो रही है? जर्मनी में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कनाडा में भी हो रही है कि नहीं हो रही है? कहीं पर भी जाइए, आज हिंदुस्तान का जय जयकार हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसके कारण? किसके कारण ये जय जयकार किसके कारण हो रहा है? ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपने वोट देकर मोदी को मजबूत बनाया, देश की सरकार मजबूत बनाई। और जब मोदी दुनिया के किसी बड़े बड़े दिग्गज को मिलता है ना, यू हाथ मिलाता है ना, तो मोदी अकेला नहीं होता है,
140 करोड़ देश मेरे साथ खड़े होते हैं, 140 करोड़ देशवासी मेरे साथ खड़े होते हैं, और तब जाकर के दुनिया में जय जयकार होता है। हमारा मध्य प्रदेश का भी जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का जय जयकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पूरे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश का माथा ऊंचा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपका वोट ये कर सकता है। करोगे? करोगे? आप मुझे मजबूत बना दीजिए, मध्य प्रदेश मजबूत बन जाएगा। भारतीय जनता पार्टी भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ निकली है, और विकसित भारत का यह संकल्प एमपी के विकसित भविष्य से ही जुड़ा है। इसलिए आज पूरा मध्य प्रदेश एक स्वर में कह रहा है, गांव गांव से एक ही स्वर है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार, फिर एक बार।